नमस्ते सर। नमस्कार। ये जो बैग आप देख रहे हैं वो मेरे नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। ओ? अरे वाह। मेरा नाम है पाबी बेन रबारी। मैं कच्छ गुजरात के भादरोही छोटे से गांव से हूँ और आप मुझे देखोगे तो आपको मैं एक हाउस वाइफ नजर आऊंगी, लेकिन मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं एक कलाकार और बिजनेस वुमन दिखती हूँ। ये ब्लाउज जो आप देख रहे हैं उसको रबारी एम्ब्रॉयडरी बोला जाता है। वो बहुत बारीक काम है और उसके बनाने में बहुत साले लग जाते हैं। हमारी औरतें ये काम तो बचपन से सीख लेती है, लेकिन उसका मूल्य क्या होता है उन्हें पता नहीं होता है। बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े डिजाइनर इसको कम दाम में और ले जाते हैं और ज्यादा दाम में बेच देते हैं। उसे क्या होता है कि जो हमारी महिलाएं होती है उसको उसका पैसा कम मिलता है, उसकी पहचान भी नहीं मिलती थी। उस बात से मुझे बहुत दुख होता था। तब से मैंने मन में ठान लिया था कि एक दिन ये महिलाओं को मैं पैसा भी दिलाऊंगी और पहचान भी दिलाऊंगी। बाद में मैंने नीलेश प्रियदर्शी और नुपुर कुमारी के सहयोग से अपनी खुद की ब्रांड pabibain.com बना ली और ये पाबी बैग आज पूरे दुनिया में जानी जाती है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आज इसे यूज कर चुके हैं। नमस्ते शान, मैं नीलेश प्रियदर्शी और हमारी एक और सहयोगी नुपुर कुमारी, हम लोग अहमदाबाद से हैं। तो शार्प pabibain.com एक ऑनलाइन मंच है जहां पर हम कारीगर की कला को पूरी दुनिया के सामने ले जाते हैं। हम लोग रबारी एम्ब्रॉयडरी के अलग अलग प्रकार के बैग्स, एक्सेसरीज और गिफ्ट बॉक्सेस सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। शार्प pabibain.com महात्मा गांधी जी के उसूलों पर आधारित है जहाँ सिर्फ एक का नहीं पर सबका भला हो। हमारा विजन है कि भारत में ऐसे कारीगरों को ढूंढना, उनको पहचान दिलाना, उनके नाम से बिजनेस स्टार्ट करना और उनकी कला को दुनिया के सामने ले जाना। तो शार, हम आज आपके सामने 5% इक्विटी के बदले 50 लाख का इन्वेस्टमेंट मांगने आए हैं। और हमारी आपसे गुजारिश है कि ये मूवमेंट में आप हमारे साथ जुड़िए और हम सब साथ मिलके भारत के हर गांव में पाबी बैन बनाते हैं। क्या बात, वाह। तो नीलेश और पाबी बैन, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। और पाबी बैन, तमे जे पहेर्यु जे एटलू सरस लागी रह्यु छे, तो अहमदाबाद मां लॉ गार्डन रोड पर एग्जैक्ट आवा कपड़ा, आवी चेन, आवी बद्दी वस्तुओं मैं खरीदी छे नवरात्र माटे। और ये छत्रिया और सबके लिए तो हम पागल होते थे, बिकॉज इतनी रंग बिरंगी ब्यूटिफुल छत्रिया हैं, तो एक इमोशनल टच है आप ब्रांड में। तो थोड़ा बताइए कि आप इनको मिली कैसे? हमारी कहानी मेरी बचपन से ऐसे शुरू हुई। हमारा रबारी समाज का जो मूल व्यवसाय भेड़ बकरियां चराना, तो मैं 5 साल की थी तभी मेरा पापा एक्सपायर हो गया। वो कुएं से पानी निकल रहे थे और भेड़ बकरियों को पिलाने के लिए, उसमें उसका पांव गिर गया। और मेरी दूसरी बहन थी वो 3 साल की थी और तीसरी बहन मेरी माँ के पेट थी। तभी सबको ऐसा था कि तीसरी बेटी बेटा आएगा, पर जब भी 2 महीने के बाद मेरी तीसरी बहन का जन्म हुआ तभी हमारा घर का पूरा माहौल बिगड़ गया। सब बोलते थे कि बेटी तो अभी चले जाएगी, उसका पापा का घर का ताला लग जाएगा। तो मेरे को 5 साल में मेरे मन में वो बात फंसी कि इस बात को मैं, मेरे को मिटाना है, लेकिन मैं कैसे मिटाऊं। तो हम धीरे धीरे बड़ी हुई, उसके बाद ये एम्ब्रॉयडरी का काम मैंने सीखा। लेकिन हम एक कलाकार थे तो हमारी कहाँ पहचान नहीं मिलती थी, वो मेरे मन में बात खटक रही थी। तभी नीलेश भाई का मेरे को पहचान थी। कच्छ में 10 साल नीलेश भाई ने काम किया एक जगह पे। क्या काम? हैंडीक्राफ्ट के ऊपर। हैंडीक्राफ्ट के ऊपर, ठीक है। ये जानते थे कि जो गांव में छोटे छोटे कारीगर लोग हैं उसको मार्केटिंग तक आने में क्या क्या दिक्कतें आती है। तो मैंने बोला, नीलेश भाई मेरा एक ऐसा विचार है कि मेरा ही गाँव में मेरे को छोटा सा बिजनेस करना है, गांव की महिलाओं को गांव में रोजगार मिले ऐसा काम मेरे को करना है। तो नीलेश भाई ने मेरे को मार्केटिंग में बहुत मदद की और नुपुर कुमारी ने डिजाइन में मदद की, ऐसे हम 3 लोग मिले।
तो अभी आप नीलेश भाई इसमें इन्वेस्टर हैं, आपका क्या रोल है? हम लोग का आई कैचिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स कंपनी चलाते हैं, जिसमें मैं, नुपुर कुमारी और पाबी बहन तीनों समान हिस्सेदार हैं। हम लोग इसमें तीन अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। पाबीबहन.com के माध्यम से रबारी एम्ब्रॉयडरी की जो भी चीज़ें हैं उनको सेल करते हैं। दूसरा हमारा इनिशिएटिव है कारीगर क्लिनिक, जहां पर पाबीबहन जैसे कारीगर को, जिनको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उनका हम बिजनेस हेल्थ चेकअप करते हैं, जहां पर उनको सपोर्ट की जरूरत, सपोर्ट करके उनके ब्रांड्स डेवलप करते हैं कहीं भी हो देश में। जी अच्छा। और तीसरा हमारा इनिशिएटिव है कारीगर की दुकान, तो ऐसे कारीगर जिनको हम एंटरप्रेन्योर बनाते हैं उनको परमानेंट मार्केट प्लेस देने के लिए हम कारीगर की दुकान एक प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने सोचा कि एक मॉडल क्रिएट करते हैं, और पहला मॉडल हमने पाबीबहन.com का क्रिएट किया, और इस तरीके से हमारा जर्नी शुरू हुआ। आपके आई कैचिंग में कंपनी में पैसे लेंगे कि पाबी बहन में पैसे लेंगे? आई कैचिंग में लेंगे। आई कैचिंग में लेंगे। जी। तो सब साथ में होगा, मतलब जो भी होगा उसके अंडर होगा? जी ठीक है। बट उसके अंदर दूसरे भी ब्रांड है? दूसरे हाँ। भी ब्रांड होंगे फ्यूचर में होंगे। अभी एक प्रोडक्ट देख ले हम थोड़ा। नीलेश भाई, अहमदाबाद में एक ब्रांड है ना संस्कृति, वहाँ तो ये एग्जैक्ट ऐसी चीजें मिलती है, इसी टाइप के एम्ब्रॉयडरी का वो लोग स्पेशलाइज करते हैं ना? इस टाइप की जो एम्ब्रॉयडरी है, रबारी एम्ब्रॉयडरी, वो आप कोई भी डिजाइनर कुछ भी चीजें बना के उसको बेच सकता है, और संस्कृति भी एज अ पार्ट उसको बेचता है। पर ये जो कला है वो पाबी बहन ने ही स्पेशली डेवलप कराई है। आज उनके नाम से ही सब जगह, कोई भी स्टोर्स में जाएंगे तो वो पाबी बैग के नाम से ही लोग जानते हैं। अच्छा, ऐसे बोलते हैं लोग पाबी बैग? पाबी बैग ही बोलते। इसका प्राइस क्या होगा इस बैग का? 1790 रुपया। ये हैंड एम्ब्रॉयडरी नहीं है राइट? ये मशीन, ये पीस में नहीं है करेक्ट? मशीन हैंड एम्ब्रॉयडरी है। ये हैंड एम्ब्रॉयडरी। तो उसका प्राइस क्या होगा हैंड एम्ब्रॉयडरी वाला? उसका 6900। सेल्स बताइए, और कितने ऐसे प्रोडक्ट्स SKUs आपके पास है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। SKU हमारे पास 500 के आसपास SKUs हैं। वाओ। ये सिर्फ पाबी बहन के अभी की सारे मिलाके? पाबी बहन और कुछ ये जो वेस्ट प्लास्टिक से हम बनाते हैं, सब मिला के 500 SKUs हमारे पास हैं। अच्छा। और अभी तक हम 2 करोड़ का सेल कर चुके हैं पिछले 5 सालों में, और लास्ट ईयर हमारा 36 लाख का सेल था, उससे पहले हमारा 28 लाख सेल था, और उससे पहले साल में 33 लाख का सेल। अभी प्रॉफिट बन रहा है? जी, 50% हमारा मार्जिन रहता है। और प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट 35%। आपने इसको पाबीबहन.com क्यों बोला? एक जनरल नाम लेके सबका प्रोडक्ट उसी में लगा देते, नहीं तो हम आपको मल्टीपल डोमेन नेम बनाने पड़ेंगे सबका मार्केटिंग। तो अभी फ्यूचर में हमारा प्लान वही है कि कारीगर की दुकान.com जो करेंगे, उसमें फिर सब आर्टिसन का अपना इंडिविजुअल डिजिटल दुकान होगा, वो हमारा प्लान है। कारीगर की दुकान? यस। नाम अच्छा है। अगर इनके प्रोडक्ट्स पाबी बहन के नाम से मिंत्रा पे, अमेजोन पे, मार्केट प्लेसेस पे लिस्ट करें, तो आपको नहीं लगता कि वो ज्यादा घर घर तक पहुंच पाएगा? अगर हम कोई प्लेटफॉर्म पर जाके बेचेंगे तो उसका मेजोरिटी जो प्रॉफिट होगा वो प्लेटफॉर्म। देखिए, आपने इनके अभी ये पाउच अगर किसी के घर पे पड़ा है तो उनको तो पता ही नहीं है किसका पाउच है। ये बैग में भी एक जगह एक जिपर पे छोटा सा लिखा है, पर आजकल बैग की ब्रांड्स की पहचान होती है बड़ा सा लोगो से, तो लोगों को याद रहता है। और आप प्रॉफिट की जो बात कर रहे हो, अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है तो पहचान ही नहीं बनेगी। अगर आप एक मार्केट प्लेस पे डालेंगे तो लाखों लोग उसमें से नहीं लेंगे, पर वो देखेंगे तो सही कि पाबी बहन का कुछ है ब्रांड। आपको अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं रेस करना चाहिए, बिकॉज़ आप जो कर रहे हैं अभी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह चला रहे हैं। जैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट रेस करेंगे, एक ग्रोथ का प्रेशर आ जाएगा अननेसेसरी, तो इसलिए मैं बाहर। नीलेश जी, पाइवन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं अभी आउट होना चाहूँगा, बट एक आपको सजेशन देना चाहूँगा कि इसको जितना हो सके ना पाबीबहन.com को, या जैसे भी पाबीबहन ब्रांड को बहुत बड़ा बना सकते हो। मेरे को आज ये स्टोरी पावरफुल लगी, और क्या पता इंडिया से भी कोई ऐसा ब्रांड अच्छा बन जाए जिसकी अच्छी पावरफुल स्टोरी हो इस एरिया में ना, वो मज़ा आएगा देखने में। तो काश वो ब्रांड आपका हो। अभी के लिए मैं आउट हूँ, बट विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
पावी बहन, निलेश भाई, अभी ये थोड़ा अर्ली है, स्केल बहुत छोटा है, तो आज मैं इससे आउट हूँ। मुझे लगता है ये इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा और काम करना है। मुझे लगता है इसमें जोरों से पीआर हो सकता है। इसकी स्टोरी और इसकी स्केलेबिलिटी सॉल्व कीजिए, फिर आप फंडिंग देखिए। अभी फंडिंग लेके आप गलत पटरी पे पहुंच जाओ, इस वजह से मैं आउट होना चाहूंगा। बहुत समय ऐसे होता है कि एज एन इन्वेस्टर दिल और दिमाग में एक जंग होती है, राइट? तो जो दिमाग बोल रहा है वो ये सब बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन एज इन्वेस्टर्स और एज बिजनेस लीडर्स हमारा ये भी एक कर्तव्य, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपके जैसे महिलाओं को सपोर्ट करें। तो मैं एक टोकन अमाउंट आपको देना चाहूंगी। देखो, आपका सेल्स है 36 लाख, तो बहुत छोटा सेल्स है। तो अगर मैंने बहुत हाई वैल्यूएशन भी दिया आपको, 2.5 करोड़ का वैल्यूएशन दिया, तो मैं आपको देना चाहूंगी 5 लाख फॉर 2%। एक टोकन अमाउंट होगा, इंटरेस्ट फ्री दूंगी, बाकी का 45 लाख्स डेट एज हम बढ़ाएंगे बिजनेस। और मैं आपको बिजनेस में मदद करूंगी, मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत है इसे, उसमें मदद करूंगी। तो ये मेरा ऑफर है, जस्ट निलेश जी बुरा मत मानिए, पर जस्ट फॉर पावी बहन, ताकि हम इनकी मिसाल बना सके पूरी इंडिया में, कारीगरों को लगे कि है फ्यूचर हमारे लिए। तो एक दिल का डील दे रही हूँ आपको। आप बाहर जाके भी बात कर सकते हैं जी, हम थोड़ा टाइम दीजिए आप। पन जल्दी जल्दी आओ जो बादशाह। I think it's a good offer. मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बताता हूँ क्यों अच्छा लगा। पैसे तो नहीं बनेंगे, बस थोड़ा पैसे बन भी सकते हैं। अगर आपको क्या पैसे बनेंगे, आप स्टोरी बना सकते हैं। स्टोरी बैग तो लोग बताओ के भी होते हैं, लेकिन लोग ही बताओ, स्टोरी तो बन गया ना। क्या करेंगी निलेश भाई? निलेश भाई बताइए, बाबी बहन सुकर रूज है। नमिता जी, आपका ऑफर हमें बहुत अच्छा लगा है। हमारा एक काउंटर ऑफर है। आपने सोचा दे, हम अगर गुजराती हो के नेगोशिएट नहीं किया तो क्या किया? हमारा ऑफर ये है कि हम 5% आपको इक्विटी दे, आप 10 लाख दीजिए और 40 लाख का आप हमें इंटरेस्ट पे लोन दीजिए। चलो डन। अभी मैं ना तुम्हारा मटे चलिए, अच्छा लगा आपको डील मिली और बेस्ट ऑफ लक करते रहिए। वेरी गुड, गुड डील।